Your roommates, your blogger, welcome back to my channel. So today we are going to, what is the place called, boss? Lipatsi. So temple and all, and it's not in Karnataka, Andhra Pradesh. So yahan se kareeban humko 2 ghanta lagega. So 170-180 kilometers aaspaas kuch hoga. Wahan pe bahut sundar purana temple, patthar ka bana hua temple dikhne ko milega. Bas bane rahiye video mein, dekhte rahiye. ये जो बैठे हैं इसका नाम है मिस्टर देवारिया दास, ही इज माई सुपर बॉस, और उनका गाड़ी में चलते हैं आज. तो मतलब चारों साइड में देखोगे सिर्फ ग्रीनरी, पहाड़ भरे हुए. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये. तो फाइनली हमने लिपाक्षी मंदिर में पहुंच चुके हैं. तो आपको कुछ बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. और ये जो साहब आ रहा है, भी है और दोस्त भी है. और हमने 2007-08 से हम जानते हैं, और फाइनली बहुत दिन का बाद मतलब मिल रहे हैं, साथ में आए हैं. और अब बताइए, आप तो बहुत बार आए हो, आप बताइए. नहीं, मैं बहुत बार आया, फर्स्ट टाइम आया. सीरियसली? अच्छा, ये बहुत अच्छा मंदिर है. वीरभद्रा का मंदिर, इसका नाम है वीरभद्रा. वीरभद्रा, हाँ. अच्छा, अरे संदीप, क्या बोलो भगवान के बारे में, थोड़ा बोलो. ये बताओ, ये इसका नाम क्या है? वीरभद्रा मंदिर. हाँ, लिपाक्षी वीरभद्रा भद्रेश्वर टेम्पल. अच्छा, पंडित जी है हमारे. हाँ. पंडित जी है. अच्छा, ये पंडित जी भी है? अच्छा, रंजीत जी पंडित जी है. अच्छा, पंडित जी बोलेंगे, ब्राह्मण आदमी है. पंडित जी बोलिए कुछ. बोलिए ना मिश्रा जी. हाँ, बताइए. बताइए आप. आपने तो बहुत बार, यहाँ 2-3 बार आए होंगे. जी, हमने. बताइए, ये मेरा दूसरा बार आना हो रहा है. अच्छा, और इससे पहले जब हम आए थे तो यहाँ के लोकल लोगों ने हमको ये बताया था कि यहाँ के जो पुराने राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था. अच्छा, और मंदिर के अंदर में बहुत ही प्राचीन कलाकृति आपको देखने को मिलेगी. और इसके जो पिलर है वो कहा जाता है कि वो जमीन से उसका कोई टच नहीं है, हैंगिंग पिलर है. क्या बात है. हाँ, झूलता रहता है नीचे से. अगर आप उसको कपड़ा डाल के भी देखेंगे तो कपड़ा आर पार हो जाएगा. मतलब ये चमत्कार है. हाँ, चमत्कार, चमत्कारी मंदिर भी इसको लोग कहते हैं यहाँ. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि सारे धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं. हाँ, मुसलमान. मतलब ऐसा नहीं कि हम मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, नहीं नहीं, सब लोग, सारे लोग आते हैं. सब सबके लिए भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है. बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, और त्योहारों में तो यहाँ मेला भी लगता है. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल. और अंदर में कहा जाता है शिव पार्वती जी का मंडप भी है, जहाँ पे शिव पार्वती जी का शादी हुआ था. इस तरीके का यहाँ मान्यता है. अंदर आप चल के देखेंगे बहुत बहुत अच्छा. अंदर में एक और खूबी है कि अंदर में एक भी लाइट न होने के कारण सिर्फ देवी के जो चेहरा है वो क्लियर आपको दिखाई देगा. तो चलिए फिर आगे देखते हैं, आपको बता ही रहे हैं. सारा जो देख रहे हो ये बहुत ही पुराना, हजार सालों का पेंटिंग, फिर भी आज थोड़े बहुत देख रहा है. लेकिन इसको सही तरह से मेंटेन किया नहीं गया, शायद इसलिए ऐसे दिख रहा है.
लेकिन फिर भी तो ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है, आप जैसे देख रहे हो, और इसका जिस मंदिर का जितना तारीफ करो उतना कम है। बहुत सुंदर है, वो हज़ार साल का कारुकार्य है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा आप एक बार यहाँ पे आना चाहिए और मंदिर दर्शन करना चाहिए। नक्काशी किया गया पत्थरों पे, ये पूरा पेंटिंग किया गया हमारे पूर्वजों द्वारा जो पहले के थे कारीगर, उस टाइम पे कुछ भी नहीं रहते, सारे पत्थर है यहाँ, कहीं पे भी कोई भी जोड़ नहीं है किसी भी चीज़ का, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया। और ये मंदिर का हिस्ट्री क्या है, मतलब थोड़ी बहुत बता सकते हैं हिस्ट्री? ये बना है, ये वीरभद्र मंदिर है। बेसिकली क्या था, सती जी जब सती हुई थी, मतलब पार्वती जी का पहले वाला रूप था जो, अच्छा, तो दक्ष जो उनके पिताजी थे, तो उनका अपमान जब किया गया था, सती जी ने हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया था। अच्छा। तो उसके बाद जब शंकर जी का जो उन्होंने एक और अपने अंश से एक रूप बनाया था, उनकी जटाओं से एक जो बना था, वीरभद्र बने थे, तो वो उनका बेसिकली सती जी को और वीरभद्र जो है जो उनका मंदिर है ये, तो उसका यही प्रथा है। और यहाँ पे जो काफ़ी पुराना मंदिर है, जहाँ के जो राजा थे वो बहुत मानते थे ये भगवान शंकर में और माँ सती में, तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये उस टाइम का, और ये पूरा आप मंदिर देखेंगे पूरा नक्काशी किया गया, आप इस कारीगरी जो पत्थरों के ऊपर उकेरा गया ना, बहुत ही एकदम मतलब सूक्ष्म रूप से किया गया, और एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया, मतलब कारीगर को हजार से रूप, जितना तारीफ किया जाए उतना कम। हमारे अभी के कारीगर, अभी के कारीगर तो सब टेक्नोलॉजी सब मिल रहा है, लेकिन पुराना जो निर्माण किया गया ना, हाथी से खींच खींच के पत्थर ऊपर रखा गया है, और पत्थर के ऊपर पत्थर है, कहीं पे भी कोई भी जोड़ नहीं किया गया है, जो हम लोग के पास सीमेंट वगैरह का जोड़ करते हैं, कोई भी जोड़ नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे मतलब अभी आप आगे चलेंगे तो मैं उनको और दो चार ऐसे पिलर बताऊंगा, पिलर के नीचे से आप कपड़ा डालेंगे ना तो कपड़ा आर पार हो जाएगा। अभी टेंपल का विजिट हो चुका है, सारा वीडियो भी आप देख चुके हैं, अभी बने रहिए। यहाँ से जस्ट कुछ ही दूर, मतलब 100 मीटर 200 मीटर में आपको जटायु पार्क देखने को मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया है। और उस ये जटायु पार्क का वही थीम है, जब सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु भगवान ने उसको रोकने की कोशिश की थी, और उन्होंने काफी देर तक रावण से लड़ाई भी लड़ा था। इस एवज में रावण ने अंत में उनकी एक पंख को काट दिया, अच्छा, और वो लास्ट में गिरकर नीचे आए। उसके बाद राम जी जब रास्ते में जा रहे थे सीता जी को खोजने, तो खोज में वो बीच में जटायु भगवान मिले, उन्होंने बताया कि राम जी के जो पिताजी थे उनके वो मित्र थे, अच्छा, तो उनको अपना चाचा बनाया, चाचा बनाकर उनका दाह संस्कार किया, उनका अंतिम अंतिम
क्रियाकर्म करने के बाद में उन्होंने आगे का अपना कार्य आरंभ किया। तो उन्हीं के याद में यहाँ की आंध्र की जो सरकार है ये पूरा उन्हीं के थीम पर जटायु पार्क बनाया है, उनका मंदिर बनाया है, उनका पूजा भी होता है, उनके उनके उन्हीं के याद में मतलब सनातन परंपरा को बढ़ाते हुए इस जटायु पार्क का निर्माण कराया गया था। पार्क का वीडियो ख़त्म हो चुका है, आज का ब्लॉग ख़त्म है। मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए प्यार है और ऐसे छोटे छोटे कमेंट करते रहिए। कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलते रहिए आगे का ब्लॉग में। बाय।